दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर पर कृति देव फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पे कृति देव फॉन्ट पर अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर पर ये फॉन्ट इंस्टॉल करना होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं होता। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करने के लिए इंग्लिश वाले कीबोर्ड से ही आप हिंदी भी टाइप कर सकते हैं, सिर्फ आपको फॉन्ट चेंज करना होता है। और ज़्यादातर हम लोग मार्केट में कृति देव फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो उस कृति देव फॉन्ट को कैसे टाइप करते हैं इसके लिए आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर हम यूज करते हैं, जिसमें ये लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और इसके अलावा थंब का यूज हम स्पेस देने के लिए करते हैं। और राइट हैंड से जो है आपका फिर वही लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इधर से ये चार फिंगर का यूज करते हैं और ये थंब का यूज हम स्पेस देने के लिए करते हैं। यानी जब भी आपको इंग्लिश और हिंदी टाइप करना होगा तो लेफ्ट हैंड से ये चार फिंगर और राइट हैंड से ये चार फिंगर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप कीबोर्ड जान रहे होंगे, कीबोर्ड में आपका तीन रो ज्यादातर यूज होता है, एक आपका टॉप रो, दूसरा आपका होम रो और तीसरा आपका जो है बॉटम रो, ठीक है। इन तीन रो के अलावा आपका न्यूमरिक रो भी है, नंबर वाला रो भी है, और नंबर वाले रो से भी हम लोग जो है हिंदी का कुछ लेटर टाइप करते हैं। तो सबसे पहले आप होम रो में अगर आप आएंगे तो होम रो में आपको क्या क्या मिलता है, ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमी कॉलम और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये आपका जो है इंग्लिश वाले कीबोर्ड में जो है आपको ये मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप भाषा बदलेंगे यानी फॉन्ट चेंज करेंगे तो इसी इंग्लिश वाले लेटर में हिंदी का कोई लेटर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर ए एस डी एफ पर रखते हैं और इधर से चार फिंगर आपका सेमी कॉलम एल के जे पर रखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप हिंदी टाइप करेंगे तो आपका फिंगर का पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। फिंगर आप रखेंगे एस डी एफ जी पर, तो जैसे ए टाइप करेंगे और हिंदी फॉन्ट अगर चूज किया हुआ है तो ए में आपको मिलेगा अंशवर, जैसे आप कंस लिखते हैं ना तो क के ऊपर जो बिंदु देते हैं उसके लिए आप ए प्रेस करेंगे। फिर एस में मिलेगा आपको एकार की मात्रा, ठीक है। डी में आपका क, एफ में आपका हर्षई की मात्रा, जी में ह और एच में आपका दीर्घई की मात्रा, ठीक है। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड से, यानी इधर का जितना भी सारा लेटर टाइप करेंगे वो आपका लेफ्ट हैंड से, ठीक है। और राइट हैंड से क्या क्या टाइप करना है, तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा आपका आधा तालब सो, सेमी कॉलम में मिलेगा यो, एल में आपका दंत सो, के में आकार की मात्रा और जे में रॉ, यानी इधर वाला जो टाइप होगा वो आपका राइट हैंड से टाइप होगा, ठीक है। तो अब बात रहा कि फिंगर आपको किस पे रखना है, तो आपको बताया कि पहले फिंगर आप एस पर रखेंगे, पहला फिंगर एस पर, दूसरा फिंगर डी पर, तीसरा फिंगर एफ पर और चौथा फिंगर जी पर, ठीक है। तो जैसे ही आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या आपको टाइप करना है, एकार की मात्रा, यानी जो पहला लिटिल फिंगर है ये किस पर होगा, एकार की मात्रा, क, हर्षई की मात्रा और ह, ये चार फिंगर आप इन चार लेटर पे रख दिए। अब इसके बाद क्या है कि ये दीर्घई की मात्रा जो है, जो आप ह टाइप करेंगे ना इसी फिंगर से आप दीर्घई की मात्रा भी टाइप करेंगे, यानी चौथा नंबर फिंगर ही आपका एस पर जाएगा जिससे आप दीर्घई की मात्रा लिखेंगे। और इसके बाद एक अनुस्वर की मात्रा लिखना होगा, तो एकर की मात्रा पर जो फिंगर है, जो पहला फिंगर है, ये फिंगर आपका जो है ए पर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या टाइप कर रहे हैं आप, पहले अनुस्वर, फिर एकर की मात्रा, क, हर्षई की मात्रा, ह और इसके बाद दीर्घई की मात्रा, ठीक है। और जैसे आप राइट हैंड से टाइप करेंगे तो राइट हैंड से आपको टाइप करना है आपको आधा तालव्य सो, य, दंत सो, आकार की मात्रा और इसके बाद र, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट हैंड से हो गया और ये वाला आपका लेफ्ट हैंड से, और इसका लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसी में आप शिफ्ट के साथ भी यूज करेंगे,
जैसे आपको पता होगा कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो शिफ्ट क्या करता है, लेटर को कैपिटल कर देता है, लेकिन अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो ज़्यादातर शिफ्ट क्या करता है, लेटर को आधा करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप इसमें से डी प्रेस करते हैं तो डी से आपका क्या लिखाता है, कॉ लिखाता है, लेकिन जैसे शिफ्ट के साथ आप डी प्रेस करते हैं तो आधा कॉ लिखाएगा। लेकिन कीबोर्ड में आप देखिएगा कि शिफ्ट आपका लेफ्ट साइड भी रहता है और शिफ्ट आपका राइट साइड भी रहता है, ठीक है। तो अब यूज कौन सा शिफ्ट का करना होता है, तो जब अगर आप लेफ्ट हैंड से कोई भी लेटर टाइप कर रहे हो तो आपका राइट हैंड आपका खाली है, राइट हैंड से जो है इस लिटिल फिंगर से आपका शिफ्ट का यूज किया जाता है, और लेफ्ट हैंड के इस लिटिल फिंगर से, यानी दोनों शिफ्ट जो है दोनों लिटिल फिंगर से आप यूज करेंगे। तो जैसे ही अगर आप लेफ्ट वाला फिंगर यूज करना है तो राइट शिफ्ट आपका यूज करना है, इधर से आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और जैसे ए प्रेस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा पूर्ण विराम, क्योंकि इसका तो आधा होता नहीं है तो इसमें आपको मिलेगा पूर्ण विराम। फिर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और जैसे एस प्रेस करते हैं तो आपको मिलेगा एकार, यानी एस प्रेस किए तो एकार की मात्रा, और शिफ्ट के साथ अगर एस प्रेस करते हैं तो एकार की मात्रा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो आधा को, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करते हैं तो आधा थो, और इसमें शिफ्ट के साथ जी प्रेस करते हैं इसमें लॉ है, और ये वाला जो है पाली लिपि हम लोग देवनागरी में इसका यूज नहीं करते हैं। और शिफ्ट के साथ जब एश प्रेस करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको आधा भौ। और इसी में देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि जैसे आप, आपको इसमें पहले से मिला आधा थ, तो अब आपको थ को पूरा करना पड़ेगा, तो आप यहां से के प्रेस करके क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है, के प्रेस करके पूरा करेंगे। आपको पूरा भौ लिखना होगा तो शिफ्ट के साथ एच प्रेस करने से तो आधा भौ आया, लेकिन फिर के प्रेस करके क्या करेंगे, इसको आप पूरा करेंगे। थोड़ा सा कुर्ती देर में इतना आपको जो है मैनेज करना होगा। अब इसके बाद क्या है कि राइट हैंड से अगर आप क्या करते हैं, कोई लेटर प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला हैंड आपका फ्री है, और इससे हम इस फिंगर से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इधर से जब हम टाइप करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको आधा मूर्धन सो। और ये सब भी देखिए ऑलरेडी आधा है, पहले से आधा है, इन सबको भी पूरा करने के लिए आपको के प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका वो लेटर पूरा होगा। इसके बाद आपको इसमें मिलेगा रू, और इसमें दंत सो, इसमें आपका जो है जब शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते हैं तो इसमें मिलेगा आधा दंत सो, और आकर की मात्रा में आपको मिलेगा ग्य, और र में मिलेगा आपको स्र, ठीक है। यानी इधर वाला जितना भी है सारा राइट हैंड से टाइप करना है, और इधर वाला जो भी टाइप करना है वो आपका लेफ्ट हैंड से। तो इस तरह से क्या होगा कि आप लगातार जब ये लेटर जब आप टाइप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक है कि धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अब जैसे ये लेटर अगर पूरा का पूरा याद कर लेते हैं तो आपको एक सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं ताकि आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकें। जैसे हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करें, ठीक है। अब इस सेंटेंस को टाइप कीजिएगा तो क्या होगा कि इस होम रो को प्रैक्टिस करने के लिए जो है ये सेंटेंस का यूज करना है। तो जैसे आप देखिए हरसाई की मात्रा लिखना है, तो हरसाई की मात्रा के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, एफ प्रेस करेंगे तो हरसाई की मात्रा आया। इसके बाद आप यहां से हॉ लिखिए, हॉ के लिए जी प्रेस करेंगे, इसके बाद अनुस्वार के लिए ए प्रेस करेंगे, दंत स्व के लिए आप यहां से एल प्रेस करेंगे, फिर आपका आकार की मात्रा के लिए आप के प्रेस करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट होता है हिंसा, ठीक है। फिर इसके बाद की लिखना होगा तो डी प्रेस करके क लिखेंगे, और दीर्घई की मात्रा के लिए आप एश प्रेस करेंगे तो की आ गया। राह लिखना होगा तो र के लिए आप जे प्रेस कीजिए, आकार की मात्रा के लिए के, और ह के लिए जो है आप जी प्रेस कीजिए। इस तरह से जब इस पूरे सेंटेंस को टाइप करेंगे तो आपका होम रो का प्रैक्टिस अच्छा होगा। और सबसे खासकर होम रो पर ज्यादा ध्यान इसलिए देना होता है क्योंकि इसी रो से आप टॉप रो यानी फिंगर ऊपर लेके जाएंगे, और इसी रो से जो है फिंगर आप
नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो इस होम रो को प्रैक्टिस अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप टॉप रो और बॉटम रो पे फिंगर ले जाना आसान होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है होम रो के बाद हम लोग फिर अगली क्लास में जो है हो टॉप रो सीखेंगे, फिर इसके बाद आपका बॉटम रो सीखेंगे, फिर इसके बाद नंबर वाला रो, और इसके बाद आपका इन चार लाइन के अलावा हिंदी में और भी कुछ ऐसे सिंबल हैं, लेटर हैं, जो कि शॉर्टकट की के माध्यम से लाया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कुर्तिदेव फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं ये सीखे होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।